हेलिप्रेक 0.5 mg है। मस्तिष्क की गतिविधियों में बदलाव करता है, इसे शांत करता है और तंत्रिकाओं को आराम देकर पैनिक अटैक से राहत प्रदान करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है। यह दवाई टैबलेट में मिलती है, चिंता के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। यह दवा कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, यह इस आधार पर भी निर्भर करता है कि मरीज की मूल समस्या क्या है और दवा को किस रूप में दिया जा रहा है। सामान्य तौर पर हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं और एक बार जब इलाज ख़त्म हो जाता है तो ये भी ठीक हो जाते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव और बिगड़ जाते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट का प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हानिकारक है और जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं उन पर इसका प्रभाव हानिकारक है। इसके अतिरिक्त हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट का लीवर, हृदय और किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट की खुराक है। कृपया याद रखिए कि हर रोगी को उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवा देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी की चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर हेलिप्रेक 0.5 mg की खुराक अलग हो सकती है। हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट की आदत लगने की आशंका अधिक है, ऐसे में आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श कर ले। नहीं, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें दिमाग के सक्रिय होने की आवश्यकता होती हो। हेलिप्रेक 0.5 mg टैबलेट लेने के बाद किसी मशीन पर काम करना या वाहन चलाने से आपको दूरी बनानी होगी। एल्प्रेक्स के कारण मुंह में सूखापन हो सकता है, ये दवा का सामान्य हानिकारक प्रभाव है। हालांकि अगर आपको एल्प्रेक्स लेने के बाद मुंह में सूखापन बहुत ज़्यादा हो महसूस हो रहा है, एल्प्रेक्स के कारण वजन में उतार चढ़ाव आ सकता है, ये इस दवा का सामान्य हानिकारक प्रभाव है। हालांकि अगर आपके वजन में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो एल्प्रेक्स को तुरंत खाना छोड़ दें और डॉक्टर से एक बार पता कर ले। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मात्रा में निर्धारित समय तक हेलिप्रेक्स आना सुरक्षित है। हालांकि हेलिप्रेक्स की चिकित्सीय खुराक लेने के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट भी सामने आए हैं, जिनमें चक्कर आना, सुस्ती, आंखों की रोशनी कम होना, डिप्रेशन, सांस लेने में दिक्कत, दौरे पड़ना, उलझन, याददाश्त में कमी, व्यवहार का असामान्य बदलाव शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण सामने आने पर तुरंत डॉक्टर से बात करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।